नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका अपना शो जिसका नाम है सितारों का सच। और सितारों का सच में आज हम बात करेंगे ग्रह राहु के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम ग्रह राहु से जुड़ी बातों का ध्यान रख के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। ये बताएंगे हमें हमारे पंडित जी, पंडित दिनेश दत्त जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, पहले आप बताइए कि ग्रह राहु है क्या और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले साथियों, आपको प्यार भरी राम राम और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर बना रहे और आपका जीवन मंगलमय हो, सुखदायक हो। हम आपको डेली कोई ना कोई ग्रह के बारे में बता रहे हैं ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके, क्योंकि अगर हम हर ग्रह का उपाय समय पर करते रहेंगे तो हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने हर ग्रह के बारे में सुना होगा, जो 7 ग्रह हैं वो तो वास्तविक ग्रह हैं ही हैं, लेकिन जो राहु ग्रह है, राहु जो एक छाया ग्रह है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जो ये राहु है, ये हमारे राहु से आप समझ गए होंगे रास्ते को रोकने वाला ग्रह है जी। ये रास्ते रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन अगर हम राहु को सही दिशा देते हैं और सही दिशा में लेके जाते हैं तो हमारे काम बना भी देता है, क्योंकि रास्ता चलकर ही चलता है और अगर रास्ते में कोई परेशानी आती है तो हमें उसका उपाय करना पड़ता है। देखिए, राहु जो है वो एक लिंग पुरुष है, एक पुरुष ग्रह है, और जो उसकी दिशा है वो दक्षिण और पश्चिम होती है। ठीक है जी। राहु को अगर हम ग्रह ना मानकर इसको अपना मित्र भी मान सकते हैं, क्योंकि रास्ते जब आप कहीं भी जाएं तो बिना रास्ते के आप कहीं नहीं जा सकते, तो बिना राहु के आप कहीं जा ही नहीं सकते। राहु हमारा ऊपर वाला सर है, जो ऊपर का सर होता है यही राहु होता है, और बुद्धि का भी मालिक होता है जी। क्योंकि हमारे सिर के ऊपर ही बुद्धि होती है, ये बिल्कुल बुद्धि का कारक होता है। लेकिन राहु कितनी डिग्री पे है, कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से घर में बैठा हुआ है, ये भी डिपेंड करता है। हाँ जी, पंडित जी, ग्रह राहु को शांत करने के लिए हमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। हाँ जी, देखिए, राहु जो ग्रह है हम इसको मंत्र के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप जपिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो किसी पंडित जी को बोलिए कि हमारा राहु ग्रह है जो है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन पंडित जी को पहले पूछ लीजिए कि राहु आपका ठीक है कि नहीं है। तो राहु का जो मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह अरहवे नमः। एक बार फिर बोल देता हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह अरहवे नमः। ये अगर आप जाप जपते हैं तो आपके रास्ते खुल जाते हैं और आपको हर रास्ता दिखने लग पड़ता है, आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपकी बुद्धि शांत रहती है, और जब शांत बुद्धि होगी तो आपके विचार शांत होंगे, आपका व्यवहार शांत होगा, आपका घर परिवार शांत रहेगा, और आपका कार्य क्षेत्र में भी दिल लगेगा और आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने राहु का सही उपाय नहीं किया और आपको वो गलत प्रभाव डाल रहा है तो राहु रास्ते बहुत रोकता है, कई तरह की परेशानियां पैदा कर देता है, दिमागी परेशानियां पैदा कर देता है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं, मिल नहीं रहा, केवल एक राहु के कारण ही। उसका सही उपाय करेंगे, सही समय पर करेंगे तो आपको अच्छा फल देगा जी। पंडित जी, ग्रह राहु को शांत करने के लिए हमें दान कौन सा करना चाहिए और कब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, राहु का जो हम दान दे सकते हैं वो है सरसों, मूली हो गया, कंबल हो गया, तिल हो गया, सिंदूर हो गया, एक सतनाजा होता है, 7 तरह के हम अनाज इकट्ठा करके उसको भी हम दान में दे सकते हैं। लेकिन दान देने से पहले मैंने आपको पहले बताया कि दान ऐसे नहीं देना है, संकल्प करवाकर, अपना नाम लेकर, अपने माता पिता का नाम और गोत्र बताकर कि पंडित जी हम इस राहु के लिए, ग्रह को शांत करने के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये दान दे रहे हैं, तो इसको हमें सही फल प्राप्त करवाइए। तो ब्राह्मण पंडित जी जो हैं आपको बताएंगे उसकी विधि क्या है, उसका रास्ता क्या है, आपको करना क्या है। और अगर आप राहु को और ठीक करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी आप दान करेंगे वो गुप्त करें जी, किसी को बताएं नहीं। कई बार क्या होता है, हम कोई भी दान करते हैं तो हम 20 जगह बताते हैं तो वो फल बंट जाता है, आपको फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पुण्य करो तो खुद से छुपा लो और पाप करो तो लोगों को बता दो ताकि कर्म कट जाए। इसीलिए आपने कोई भी उपाय करना है, राहु का करना है, किसी भी ग्रह का करना है, तो गुप्त करना है। ऐसा फलित होगा, ऐसा फलित होगा, आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होगा, क्योंकि राहु बहुत तरह के रास्ते खोलने में भी समर्थवान होता है। लेकिन आपकी कुंडली में राहु कहाँ है ये डिपेंड करता है जी। पंडित जी, ग्रह राहु के प्रकोप से बचने के लिए हमें नग कौन सा डालना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, राहु जो ग्रह है, आपने उपाय करवाया, आपने दान दिया, आपने अनुष्ठान करवाया, इसके साथ साथ
अगर हम इसका स्टोन पहन लेते हैं, लहसुनिया इसका स्टोन है, कितनी रत्ती का डालना है, कब डालना है, ये आप जो आपका वेट होगा और आपका जो डिग्री होगी ग्रह की, उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। अनुष्ठान करवाए के इसकी प्रतिष्ठा करवा के, प्राण प्रतिष्ठा करवाइए स्टोन का, अपना नाम लीजिए उसका, प्रतिष्ठा करवा के पंडित जी के पास जाके और उसको धारण कीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा और आपको राहु सही फल देगा। जी पंडित जी, अगर ग्रह राहु हमारी कुंडली में सही नहीं है तो क्या हमें कोई रोग भी लग सकता है? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए राहु भी रोग का कारक होता है, हर ग्रह रोग का कारक है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ बीमारी लग गई और समझ में नहीं आती, ये राहु का भी सबसे बड़ा कारक है। हमारे शरीर में जलन पैदा कर देगा, हमें समझ नहीं आएगी, त्वचा के रोग कर देता है, हमें वो भी समझ नहीं आती। पैरों में, ये पैरों पर भी अटैक करता है, पैरों से भी जलन आनी शुरू हो जाती है, शरीर में जलन पैदा होनी शुरू हो जाती है और त्वचा के रोग भी होने शुरू हो जाते हैं, जिसको स्किन एनर्जी बोलते हैं। ये जो है लक्षण, ये राहु के कारण होता है। अगर आप राहु का उपाय करेंगे, साथ में जो आपकी दवाई चल रही है उसको भी लेते चले जाएंगे, तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और राहु ही काल सर्प योग भी बनाता है। जब राहु और केतु आमने सामने आ जाते हैं, ये कई दृष्टियों से आते हैं। राहु केतु जब आमने सामने आते हैं, कई बार बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, इसका उपाय करवाए। इसका मतलब ये हुआ कि काल सर्प योग का मतलब है आपकी कुंडली को दोनों तरफ से ताला लग गया। वो ताला खुलेगा कब? जब आप राहु और केतु दोनों का अनुष्ठान करवाएंगे, उनको प्रसन्न करेंगे। उनका अनुष्ठान करवाने के बाद आपके हर क्षेत्र में विजय तय है, ये बिल्कुल 100% गारंटेड है। जी इसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसका आप ध्यान ये रखिए, कभी आप मंदिर जाइए जहाँ पर आप चप्पल उतारते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जहाँ पर आप चप्पल उतारते हैं आपने वहाँ पर भी चप्पल नहीं उतारनी, आपने या चप्पल गाड़ी में रखनी है या घर से पैदल चलें, दूर हैं तो आप गाड़ी में जाते हैं या कोई किसी भी वाहन में जाते हैं तो चप्पल गाड़ी में उतार के जाइए, क्योंकि आप वहां पर भी जा के चप्पल उतारेंगे तो राहु थोड़ा सा बिगड़ने के कारण बन सकते हैं, इसलिए वहां मत उतारिए। दूसरी बात, अगर आप कहीं मंदिर में आपको सेवा करने का मौका मिले तो आप सेवा कीजिए, पौड़ियों को साफ कीजिए, जहां पर लोग आ जा रहे हैं उसकी सफाई कीजिए, कोई बिना संकोच के सफाई कीजिए और हो सके तो मंदिर के शौचालय अगर आप साफ करते हैं तो आपका राहु इतना जबरदस्त साफ होगा, इतना जबरदस्त फल देगा, आप हैरान हो जाएंगे। उसकी जो कोई भी आपके ऊपर ग्रहों की कोई बुरी छाया है वो दूर हो जाएगी, ऐसा आपके ऊपर चमत्कार होगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना जबरदस्त फल होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बताना किसी को नहीं है, क्योंकि गुप्त करेंगे तो आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी जो राहु को बिल्कुल आपकी सही दिशा के ऊपर लेके जाएगी, आपके रास्ते खोल देगी, आपकी तरक्कियां शुरू कर देगी, आपके घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी, परिवार में, पड़ोस में, जहां भी आप जाएंगे एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे, चमत्कार आपके साथ दर बदर हर दिन व दिन होते चले जाएंगे। राहु में वो बल है, लेकिन सही दिशा में सही समय पर सही उपयोग करने का अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा फल होगा। जी पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और ग्रह राहु से जुड़ी बातें बताने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। सो दर्शकों, आज हमें पंडित जी ने बताया ग्रह राहु के बारे में और कैसे हम ग्रह राहु से जुड़ी बातों का ध्यान रख सकते हैं, और आप भी उम्मीद करते हैं कि इन बातों का ध्यान रखोगे। सो दर्शकों, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहो आपका अपना चैनल शान पंजाबी मान पंजाब का। नमस्कार।